हैश मेड प्रचार मंडल ने विजय दिवस के उपलक्ष्य में किया यज्ञ। हैश माधव छात्रावास में शहीदों को किया नमन। हैश कारगिल शहीदों की आत्मा की शांति के लिए किया हवन। आज प्रातःकाल की बेला में यादव सभा महेंद्रगढ़ के परिसर में स्थित पुस्तकालय भवन के दूसरे तल पर संचालित माधव छात्रावास हॉस्टल में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में वेद प्रचार मंडल महेंद्रगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर ओ प्रेमराज आर्य की अध्यक्षता में यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें वेद प्रचार मंडल के कानूनी सलाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मवीर सिंह यादव ने यज्ञ ब्रह्मा की भूमिका निभाई और यज्ञ पुरोहित के रूप में यादव सभा महेंद्रगढ़ के उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह आर्य रहे, जिन्होंने वैदिक विधि विधान से यज्ञ संपन्न करवाया तथा शहीदों की याद में आयोजित इस अनुपम यज्ञ में हरियाणा युवा यादव महासभा के जिला कार्यकारी अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल भगराना मुख्य रूप से उपस्थित रहे। डॉक्टर ओ प्रेमराज आर्य ने बताया कि 26 जुलाई का दिन पूरे देश में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1999 में जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें भारतीय सेना के जवानों ने अदम्य साहस दिखाया और दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। उन्होंने माधव हॉस्टल में लड़के लड़कियों की अलग अलग रहने खाने सहित तमाम व्यवस्थाओं को देखकर प्रसन्नता जाहिर की। अधिवक्ता धर्मवीर यादव ने बताया कि इस दिन कारगिल युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के बलिदान और शौर्य को याद किया जाता है। उन जवानों के शौर्य की गाथा आज भी हमें गर्व महसूस करवाती है। उन्होंने माधव हॉस्टल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बहुत ही कम दरों पर बाहर के विद्यार्थियों को सुलभ स्थान और भोजन की व्यवस्था को देखकर छात्रावास प्रबंधन समिति की प्रशंसा की। अंत में अनिल भगराना ने बताया कि इस दिन देश के वीर सपूतों ने पाकिस्तानी सैनिकों को कारगिल से खदेड़कर दुर्गम चोटियों पर तिरंगा फहराकर भारत को पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर जीत दिलाई थी। उन्होंने माधव छात्रावास को इस अनुपम उपलब्धि वाले दिन यज्ञ के रूप में चुनने पर डॉक्टर ओ प्रेमराज यादव, बाबू धर्मवीर यादव और भूपेंद्र आर्य सहित वेद प्रचार मंडल की समस्त टीम का धन्यवाद किया और सभी को हॉस्टल की व्यवस्थाओं का अवलोकन भी करवाया। वेद प्रचार मंडल महेंद्रगढ़ के सदस्यों व माधव छात्रावास के स्टाफ और बालक बालिकाओं ने युद्ध में शहीद साहसी सपूतों के बलिदान को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर शत शत नमन किया। शहीदों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की तथा 2 मिनट के मौन धारण के बाद शांति पाठ से यज्ञ सम्पन्न हुआ। इस मौके पर विजय सिंह, वेद प्रचार मंडल के कोषाध्यक्ष कप्तान सुरेंद्र पाल आर्य, वीर सिंह आर्य, उपमंत्री मेघनवास, हवा सिंह यादव, विजय यादव, अनिता यादव, दक्ष यादव भगराना, आशीष गोयल, रविंद्र पालरी और छात्रावास में रहने वाले हरियाणा सहित दूसरे प्रदेशों के विद्यार्थी भी उपस्थित रहे। देर से आए लेकिन एक उत्तम समय के ऊपर यहाँ पर आए और अपना हक समझ करके आए और एक औपचारिकता में गुरु जी ने मुझे फोन किया, उस फोन की भी आवश्यकता नहीं थी। ये स्थान, ये जगह, ये सारी व्यवस्था आप लोगों के लिए कभी भी है, 24 घंटे आप जैसा भी उपयोग प्रयोग कर पाए हम आपके धन्यवाद ही रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बच्चों से भी ये कहना चाहूँगा कि आपने ये जो 1.5 घंटे का समय दिया है, ये जरूर आपके जीवन में ऐसा कुछ रोचक लेकर के आएगा और आगामी परीक्षा के परिणामों में भी आपको उसका असर देखने को मिलेगा। तो प्रत्यक्ष रूप से भारतीय संस्कृति से आप जुड़े रहें। उन्हें मैं ओम के होने के साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करते हुए मैं लता जी से कहूँगा कि आगामी वक्तव्य की बनाए और आज विजय कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में यादव धर्मशाला स्थित माधव छात्रावास के अंदर यज्ञ का जो आयोजन किया गया, वेद प्रचार मंडल की पूरी टीम के द्वारा, जिनके प्रधान आदरणीय डॉक्टर प्रेमराज यादव जो कि पूर्व में भी यादव सभा के प्रधान रहे हैं 6 वर्ष तक निरंतर, आज के यज्ञ के पुरोहित आदरणीय भूपेंद्र जी आर्य जी और हमारे यादव सभा के कानूनी सलाहकार, लीगल एडवाइजर, वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय श्री धर्मवीर यादव जी, इन सभी का सबसे पहले तो मैं माधव छात्रावास की प्रबंधन की तरफ से, समस्त बच्चों की तरफ से, हमारे स्टाफ की तरफ से उनका इस जगह का चुनाव करने के लिए हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और इनका धन्यवाद भी करते हैं। आप सभी को पता है 1999 में हमारे पड़ोसी मुल्क जिसका अस्तित्व भारत से ही बना, उसके साथ सरहद के ऊपर, सीमा के ऊपर जो टकराव हुआ, कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। हमारे देश के सैकड़ों हजारों नौजवानों ने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी याद के अंदर, और मैं कहूँ कि सभी शहीदों को नमन करने के लिए आज इस यज्ञ का आयोजन हुआ और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस यज्ञ में, इस
शहर से ही नहीं, आसपास के गांव से ही नहीं, दूसरे प्रदेशों के भी बच्चों ने आहुति डाल करके उन शहीदों को नमन किया, उनको याद किया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक बात है। और हमारे बुजुर्गों के मार्गदर्शन में आज इस ऐतिहासिक बात को छात्रावास के इतिहास में भी एक अध्याय के रूप में जोड़ा गया। तो मैं पुनः वेद प्रचार मंडल की पूरी टीम का अपने दिल से, अपने स्टाफ की तरफ से, सब बच्चों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इन सब बच्चों का भी धन्यवाद करता हूँ गुरु जी, इनकी परीक्षा का समय चलते हुए भी उन्होंने एक डेढ़ घंटे का समय निकाल करके और इस आयोजन में हिस्सा लिया। तो गुरु जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपने इस छात्रावास को हमें सौंपा उस विश्वास के साथ, आज बिल्कुल यदि शत प्रतिशत नहीं तो हम शत प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमने आपसे वचन दिया था कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप लोगों की सिफारिश से यहाँ पर बच्चे रखने के लिए आएंगे और हम मजबूर होंगे कि हमारे पास कोई भी जगह नहीं है। और बिल्कुल उसी बात को स्वीकार करते हुए अब आपके सामने कल भी आपके माध्यम से दो तीन फोन आए, बट वी आर नॉट कैपेबल टू प्रोवाइड ए सिंगल बेड टू देम। और उसी में एक और बात भी जोड़ना चाहूँगा बाबू जी, 200 रुपये के अंदर हमने जो बीएड के बच्चे पहले रुके थे उनको 3 समय का खाना, रहना, बिजली, पानी, इंटरनेट, अनलिमिटेड वाईफाई, वॉशिंग मशीन, लिफ्ट, ये तमाम फैसिलिटी हमने 200 रुपये में 3 समय के खाने के साथ उपलब्ध करवाई। चूँकि वो हमारी पोस्टिंग भी उससे नहीं निकल रही थी, इसलिए हमने मात्र 50 रुपये का इकट्ठा करते हुए बहुत अच्छी व्यवस्था बच्चों को दे रखी है। और जिन अभिभावकों को ये थोड़ी सी हिचक होती है, एजिटेशन होती है कि एक ही फ्लोर के ऊपर बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं, ये लड़कियाँ पिछले काफ़ी दिन से बच्चियाँ हमारे साथ में रह रही हैं, आप इनसे भी पूछ करके देख सकते हैं कि किसी सेफ्टी या सिक्योरिटी को लेकर के 1% भी किसी का दर्शन, किसी की शिकायत, किसी की कम रहती है। ये सब हम आप लोगों के मार्गदर्शन की वजह से कर पा रहे हैं। और आज मुझे बहुत ही अचंभा सा भी हुआ जब मुझे पता लगा कि कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आपने जगह प्रतिनिधि का चुनाव किया। आप निरंतर रोजाना कहीं ना कहीं वेद प्रचार मंडल की मुहिम के तहत इस शहर में, आसपास के गांव में हवन या जित्यादि करवाते रहते हैं।